हॉवर्ड कैनरी स्कूल के राजदूत निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो विकास के बजाय नौकरियां पर ध्यान केंद्रित करते। शुक्रवार को निकोलस बर्न्स के साथ एक बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वे शुद्ध रूप से विकास केंद्रित नीति की तुलना में रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान देते। ये पूछे जाने पर कि उनकी आर्थिक नीति क्या होगी यदि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे नौकरियों के निर्माण पर जोर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार सृजन और मूल्य सर्वधन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं। यदि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता तो वे किन नीतियों को प्राथमिकता देते। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम वर्तमान समय में अपनी वृद्धि को देखते हैं और मैं चीनी का नेतृत्व करता हूं। मैं किसी भी चीनी नेता से नहीं मिला जो मुझे बताए कि मुझे नौकरियों की समस्या है। अगर मुझे इसके बगल में जॉब नंबर नहीं दिखता तो मेरे लिए 9% आर्थिक विकास का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान हॉवर्ड कैनरी स्कूल के छात्रों के साथ एक ऑनलाइन बातचीत में असम विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा विधायक की कार में एक EVM का भी उल्लेख किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी अमेरिका के पूर्व राजनीतिक निकोलस बर्न्स ने की। कांग्रेस की चुनावी विफलता और आगे की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, हम आज एक अलग स्थिति में हैं जहां जिन संस्थाओं को हमारी रक्षा के लिए माना जाता है वे हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों का सत्तारूढ़ दल से मोहभंग हो रहा है और ये कांग्रेस के लिए एक अवसर भी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के प्रभाव पर कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि सत्ता का विवेकीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ महीनों के बाद केंद्र सरकार ने समझा कि तब तक नुकसान हो चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों से संबंधित प्रश्न पर कांग्रेस नेता ने कहा, एकमात्र विकल्प लोगों को पैसा देना है। इसके लिए हमारे पास न्याय का विचार है। चीन के बढ़ते वर्चस्व की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ समृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के विकास के साथ बीजिंग की चुनौती से निपट सकते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।